डबल मनी मामले को लेकर निवेशकों से पुलिस प्रशासन की अपील। बालाघाट एसपी समीर सौरभ और एसडीओपी दुर्गेश आर्मो ने निवेशकों से अपील की है कि निवेशकों को चाहिए कि वह आक्रोश में आकर कोई कदम ना उठाए। उन्होंने कहा कि न्यायोचित तरीके से माननीय न्यायालय और उनके द्वारा निवेशकों का पैसा लौटाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए जिस प्रकार कुछ लोगों के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई और ऐसे मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा जानकारी देने वाले के पक्ष में सकारात्मकता दिखाई गई है, उस पक्ष को ध्यान में रखते हुए या तो सीधे माननीय न्यायालय में जाकर अवगत कराया जा सकता है या फिर पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी देकर निवेशक उचित तरीके से अपना निवेश को वापस पा सकते हैं। जानकारी की माने तो यह बात भी सामने आई है कि पुलिस विभाग व अन्य प्रशासन के द्वारा डबल मनी के आंकड़ों की चल अचल संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। और अगर इस बात पर यकीन करें तो डबल मनी के आंका निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं दे पाएंगे। ऐसे में पुलिस और माननीय न्यायालय ही एकमात्र भरोसा दिखाई देता है। एसपी समीर सौरभ और एसडीओपी आरमो दोनों ने निवेशकों से अपील की है कि गलत कदम उठाकर अपराधी बनने से बेहतर है कानूनन अपना निवेश वापस ले सकते हैं। सर, जैसे कि बालाघाट जिले का बहुचर्चित डबल मनी कांड जो है उसमें बहुत सारे निवेशकों का पैसा लगा हुआ है और यह चीज़ भी देखने में आ रही है कि कुछ लोग अपना पैसा प्राप्त करने के लिए एक गलत रास्तों का उपयोग कर रहे हैं, मतलब वो भी अपराध में शामिल हो रहे हैं, शायद इससे भी बड़े अपराध में। तो सर, आप जनता के लिए, निवेशकों के लिए क्या अपील देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे इनसे? जी, जैसे कि आपको सभी को ज्ञात है कि लांजी क्षेत्र में और बालाघाट जिले में लोगों से पैसा डबल करने के नाम पर एक बड़े भारी मात्रा लोगों से या निवेशकों से इकट्ठी की गई, और चूंकि ये अनियमित जमा प्रतिबंध योजना 2019 जो एक्ट है इसके तहत ये गैर कानूनी भी है, और इस संबंध में हम लोगों ने लांजी और किरनापुर में प्राथमिकी दर्ज की थी, और इसमें जो गिरफ्तार शुदा हमारे अभियुक्त गण थे उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत कर दिया गया और जिसका माननीय न्यायालय द्वारा जो है इसका ट्रायल जारी है, और जो फरार व्यक्ति हैं उनके खिलाफ विवेचना जारी है। इसमें हमें जो शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है जो निवेशकों से जो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे मुखबिर तंत्र है या अन्य लोग जो हैं उनके माध्यम जानकारी प्राप्त हो रही है कि जब ये निवेशक इन लोगों के घर पहुंच रहे हैं या इनके एजेंटों के पास पहुंच रहे हैं अपना पैसा जो निवेश किया है वो वापस लेने के लिए, तो इन्हें या तो आगे की डेट दे दी जा रही है या उन्हें धमकाया डराया जा रहा है। और इसी के जोड़कर एक घटना देखेंगे हम लोग, पिछले 7 दिनों में हुई थी जो अभी देखा जाएगा, तो उसमें एक व्यक्ति हैं जो कि किसी एजेंट के रिलेटिव्स हैं, उनके साथ उनको बंधक बनाया गया पहले कुछ 8 से 10 लोगों के द्वारा, फिर उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद उनके पास जो सामान था जैसे कि उनकी 4-व्हीलर, उनका वॉलेट में जो भी एटीएम कार्ड्स और पैसे रखे हुए थे ये भी उनसे जो है लूट कर वो लोग ले गए। तो मेरी पब्लिक से ही अपील है और जो निवेशक है उनसे अपील है कि आपने यदि पैसा निवेश किया है तो आप एक लीगल माध्यम से उसे प्राप्त करें वापस। यदि आपको लगता है कि आपने जिसके पास निवेश किया है वो उस व्यक्ति से आपको प्राप्त नहीं हो रहा, तो इस एक्ट के अंतर्गत प्रावधान भी है जिसके संबंध में हम लोग लगातार पहले भी प्रचार कर चुके हैं कि इसमें आपका जो पैसा है जो भी आपने जमा कराया उस संबंध में आपके पास कोई भी सिक्योरिटी के रूप में दिया गया हो, यदि या चेक हो या कोई रसीद हो या कोई भी पत्र में आपको लेख करके दिया है अथवा नहीं भी दिया हो, तब भी आप इसके संबंध में हमारे पास आ सकते हैं, पुलिस के पास आ सकते हैं, या फिर इस एक्ट के तहत जो सशक्त किया गया है माननीय न्यायालय उसके समक्ष आप प्रस्तुत हो सकते हैं और आप अपना जो क्लेम कर सकते हैं कि आपको जो भी पैसा है आपने जो जमा कराया था वो आपको एक समय सीमा मिल पाए। इसके लिए इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि जो राशि जो है इन व्यक्तियों से जमा जो जब्त की गई है और इनकी संपत्तियां जो है हमारे द्वारा जो है फ्रीज करके रखी गई है, इसके जरिए जो है उन लोगों का पैसा जो है माननीय न्यायालय द्वारा दिलाया जाएगा। अब कितनी राशि दिलाई जा सकेगी इसके संबंध में माननीय न्यायालय ये निर्णय ले सकेगा, क्योंकि सक्षम इस एक्ट के तहत जो है बेट्स एक्ट के अंतर्गत माननीय न्यायालय सक्षम बनाया गया है। सर, क्षेत्र में कुछ ऐसे रूमर्स भी फैलाए हुए हैं कि जैसे जो लोग ये सब काम कर रहे थे डबल मनी का, तो वो लोग अब अपनी कुछ संपत्ति है वो सब बेच करके पैसा लौटाने वाले हैं, तो इसके बारे में सर क्या? नहीं, देखिए इस तरह के आप अफवाह में बिल्कुल ना ध्यान दें, क्योंकि हमारे द्वारा इनके जितने भी बैंक खाते थे विवेचना के दौरान उन्हें फ्रीज किया गया, इनकी जितनी भी चलाचल संपत्ति थी उनकी जानकारी संबंधित जो है तहसील कार्यालय से प्राप्त की गई और उन्हें भी हमारे द्वारा जो है सीज किया हुआ है माननीय न्यायालय की अनुमति उपरांत। तो आप इस बिल्कुल भी उसमें जो अफवाहें चल रही उस पर ध्यान न दें कि इनके पास कोई शेष संपत्ति और है, जो भी संपत्ति है वो पुलिस के द्वारा जो है इसमें प्रकरण में सीज की गई है। तो यदि वो गुमराह कर रहे हैं कि हम अपनी संपत्ति बेचकर वो आप लोगों को पैसा दिला देंगे तो ये बिल्कुल एक अफवाह है, इस पर कतई ध्यान न दें। मेरी निवेशकों से यही अपील है कि यदि वे अपना पैसा सुरक्षित करना चाहते हैं जो उनकी मेहनत से उन्होंने कमाया हुआ था, तो एक लीगल माध्यम से आए,
पुलिस के पास आए, अपने जो भी है क्लेम वो यहाँ पे पुलिस के माध्यम से कर सकते हैं कि मेरा इतना पैसा जमा था या जो लोगों को मैंने जमा करा था कि डबल के नाम पे लिया या जिस तरीके से भी लिया, या मानने वाले के समक्ष भी प्रस्तुत हो सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू सर।